कबूतर का अंडा। हाल ही में कबूतर के जोड़े ने अपने घोंसले में 4 अंडे दिए थे। बड़े ही प्यारे से वो दोनों उनकी रखवाली करते। मादा कबूतर अंडों का ध्यान रखती और कबूतर दाना चुगने बाहर जाता और शाम को लौट आता। ऐसे ही बड़े आराम से उनके दिन कट रहे थे। पर एक दिन शाम बीत गई, रात होने को आई, पर कबूतर का कहीं अता पता नहीं था। मादा कबूतर उसके लिए परेशान हो गई। क्या बात है, आज इन्होंने आने में बड़ी देर कर दी, अब तो अंधेरा भी होने लगा। कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं? क्या करूं, उन्हें ढूंढने जाऊं या बच्चों को संभालूं? मादा कबूतर की दुविधा पास बैठे तोते ने भाप ली। तोता बड़ा ही बड़बोला और लापरवाह था। उस पर भरोसा करने के सिवाय मादा कबूतर के पास और कोई रास्ता नहीं था। तोते ने उसे कबूतर को ढूंढने भेज दिया और ये वादा किया कि उनके वापस आने तक वो उनके अंडों की देखभाल करेगा। तोते की बात सुन मादा कबूतर के जान में जान आई और वो कबूतर को ढूंढने निकल पड़ी। काफी देर तक वो कबूतर को ढूंढती रही। आखिरकार एक कोने में पड़ी जाली में फंसा कबूतर उसे मिल ही गया। वो तुरंत उसके पास जा पहुंची। अरे तुम यहाँ, फिर बच्चों के पास कौन है? तुम बच्चों की चिंता मत करो, तोता उन्हें संभाल लेगा। अच्छा हुआ मैं तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आ गई। ये क्या हो गया, कैसे हुआ ये सब? उस बड़बोले आलसी तोते पर भरोसा करना क्या सही रहेगा? मादा कबूतर ने कबूतर को समझा बुझा कर शांत किया। मादा कबूतर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जाल को तोड़ने लगती है और कबूतर उसे बताता है कि वो गलती से इसमें आकर फंस गया। अगर मादा कबूतर ना आती तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। मादा कबूतर की मेहनत रंग लाई और कबूतर जाल से बाहर आ गया। उन्हें अपने घोंसले तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। दोनों को अपने अंडों की चिंता खाए जा रही थी, पर जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि तोता बड़े आराम से उनके घोंसले के पास बैठा मजे की नींद ले रहा है। वो दोनों भागकर घोंसले तक गए। तुमने इस बड़बोले तोते पर यकीन क्यों किया? देखो कैसे सो रहा है। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था, वो सब बाद में, पहले देखे तो अंडे सही सलामत है कि नहीं। उन्होंने घोंसले में झांक कर देखा तो वहाँ 4 अंडे मौजूद थे। उन्हें देखते ही दोनों को राहत मिल गई और बाकी ज्यादा कुछ सोचे बिना उन्होंने तोते को भी माफ कर दिया और अपने अंडों को गले से लगा लिया। तोता भी वहां से अपने घोंसले की ओर चला गया। पर कुछ दिनों में उन 4 अंडों में से एक अंडे का आकार कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा। तुमने गौर किया, ये एक अंडा बाकी अंडों से कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। हाँ है तो, पर ऐसा क्यों है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद इस अंडे से निकलने वाले हमारा बच्चा ज्यादा ही शक्तिशाली होगा। उन्होंने खुद को बहला के समझा लिया, पर जिस दिन सारे अंडों में से बच्चे बाहर निकले उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें पता चल गया कि वो एक अंडा उनका नहीं बल्कि चील का था, जिसने तोते की नींद का फायदा उठाकर कबूतर का अंडा चुरा लिया और उसके जगह अपना अंडा वहां रख दिया। ये क्या, ये तो गजब हो गया, हमारे घोंसले में चील का बच्चा, हमारा अंडा कहाँ गया? बड़बोले तोते पर भरोसा करके हमने गलती कर दी। वो जब सो रहा था तब शायद चील ने अदला बदली कर दी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। मादा कबूतर को तोते पर भरोसा करने का अफसोस होने लगा, पर वो भी क्या करती, हालात ही कुछ ऐसे थे। इन सब के बावजूद भी कबूतर और मादा कबूतर ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ चील के बच्चे का भी पालन पोषण किया, उसे अपना बच्चा मान लिया। ये तो गजब हो गया, एक चील को कबूतर और कबूतरी ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया। जैसे ही वो बड़ा हुआ उन्होंने मिलके पास ही के एक पेड़ पर उसके लिए एक बड़ा सा घोंसला बनाया। अब वो हमेशा के लिए अपने इस अजीबोगरीब लेकिन खास परिवार के आसपास रहने लगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुरे हालत में हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।